शहर में इन दिनों बूढ़े बच्चे और जवान सभी वायरल की चपेट में हैं, जिसके इलाज में डॉक्टर भी मुस्तैद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या हो, जहां पर आप इलाज कराने जाएं वहीं पर आपको संक्रमण का खतरा हो, आप इलाज कैसे करा पाएंगे? ऐसा एक नजारा देखने को मिला जिला चिकित्सालय में, जहां पर लगे पानी के दो प्याऊ इस समय संक्रमण का शिकार है। जिला चिकित्सालय के दरवाजे पर लोगों को प्यास बुझाने के लिए लगाए गए वाटर कूलर अपनी दास्तान खुद बयान करते हैं। इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई पानी पीना तो दूर खड़ा भी नहीं हो सकता। वाटर कूलर के नीचे पानी भरा हुआ है, जिसमें जानलेवा मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। साथ ही यहाँ पानी में कई तरह की गंदगी भी देखने को मिल जाएगी। वहीं यहाँ पर शराब की खाली बोतलें भी पड़ी रहती हैं। वहीं दूसरा प्याऊ रेड क्रॉस के समीप स्थित ब्लड बैंक के पास लगा हुआ है, उसकी स्थिति पहले वाले से भी ज्यादा खराब है, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता। हमारी खबर के बाद देखने लायक होगा कि क्या जिला प्रशासन जिला चिकित्सालय में स्थित इन दोनों पानी के स्रोतों को साफ करा पाएगा, जिससे हम लोग यहाँ पर पानी पी सकें।